हेलो यूट्यूब फैमिली, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से। ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हमने ये ब्लाउज़ पीस लिया है। आज हम जिस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे उस ब्लाउज़ का माप है, लंबाई है 14 इंच, सीना है 36 इंच, बाजू की लंबाई 4 इंच और गोलाई 14 इंच, गला आगे से 6 इंच और पीछे से 9 इंच। तो चलो शुरू करते हैं कटिंग करना। सबसे पहले हम इस ब्लाउज़ पीस को खोलते हैं और इसे हम फोल्ड करेंगे। हमारा जो सीना है 36 इंच, उसे हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे यानी 9 इंच। अब 9 इंच में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे जो हमारी सिलाई में आएगी यानी 10.5 इंच। हमने जो मुड़ाई की है वो ली है हमने 10.5 इंच। अब हम लंबाई का नाप लगाएंगे। हमारी ब्लाउज़ तैयार ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है, इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे यानी 15.5 जो हमारी मुड़ाई में और सिलाई में आएगी। अब इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो बंद साइड है वहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। और लंबाई हमारी गले की है 9 इंच। जो 9 इंच पर और 3 इंच का जो निशान लगाया है वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो कॉर्नर है वहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाकर ऊपर से गोलाई देते हुए बंद साइड लेके जाएंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और हमारी शोल्डर की लंबाई है 7 इंच। इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें भी हम जो कॉर्नर है वहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से गोलाई देते हुए इस निशान से बाहर की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारा शोल्डर का निशान लगा। अब हम जो पीछे की तरफ जो टक्स लगते हैं उसका निशान लगाएंगे ऊपर से 9.5 पर और बंद साइड से 4 इंच पर। अब नीचे की तरफ इसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने निशान लगाए उसे हम कट करेंगे। ये हमारे पीछे के निशान, पीछे का जो पार्ट है वो कट हो गया है। इसमें दूसरी तरफ भी हम वही निशान लगाएंगे टेक्स्ट वाला। जो हमने पीछे का पार्ट कट किया था उसी पार्ट को रखकर कपड़े पर आगे का पार्ट कट करेंगे। आगे का पार्ट कट करने के लिए हम जो पीछे का पार्ट है वो 10.5 है, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है वो जो हम कटोरी कट करेंगे उसकी सिलाई के लिए रखी है। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है उस तरफ हम गले का निशान लगाएंगे। पीछे के पार्ट की जो लंबाई है 15.5 है और आगे के पार्ट की हम एक्स्ट्रा रखेंगे लंबाई। हमारे आगे का गला 6 इंच है, हम 6 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे। अब ऊपर से हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा सीना 36 इंच है तो हम 12 पर लगाएंगे। अगर सीने की जो 40 इंच हो तो 12.5 पर निशान लगाना है। सीना अगर 32 इंच हो तो हम 11.5 पर निशान लगाएंगे। ये हमने जो सीधी लाइन ड्रॉ की है 12 इंच पर निशान लगाकर उसका हम आधा करेंगे। उसका हाफ हुआ 6.5 इंच, 6.5 पर निशान लगाया है। और जो हमारा बाजू है जो शोल्डर है उस तरफ हमने जो निशान लगाया उसमें 1 इंच को ऐड करना है
हमारे जो शोल्डर का जो गोलाई रखी है वहाँ से हम 2 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, और ये जो गला है उसमें नीचे से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो 3 इंच से हम गोलाई देते हुए मिलाएंगे। अब जो हमने गोलाई का ये निशान लगाया है वहाँ से जो गले का साइड है वहाँ तक की जो लंबाई है वो 7.5 इंच है। अब उसका हम हाफ करेंगे। पौने 4 पर हमने निशान लगाया है, और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी थी वहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उस निशान को ऊपर गले की तरफ ले जाते हुए तिरछी लाइन करते हुए हम ऊपर की तरफ इसे मिलाएंगे। ये हमने जो 4.25 पर निशान लगाया था, 4.25 का जो हाफ किया था, वहाँ से हम नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसे हम तिरछा मिलाएंगे दोनों तरफ से। ये जो हमने निशान लगाया था ऊपर से 1.5 इंच, नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम 1.5 इंच का दोनों तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ इसे मिलाएंगे। ये हमारे टक्स का निशान हो गया है। ये सिलाई के लिए ही लगाया है हमने निशान। अब यहाँ से हम गले की तरफ से ऊंचाई रखते हुए ऊपर की तरफ रखते तिरछा निशान लगाएंगे। अब गले की तरफ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर की तरफ हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी आड़ पट्टी का निशान है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो हमने मार्क किया था उसी पर हमें कटिंग करनी है। ये जो हमने कटोरी की कटिंग की है इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने सीधा कटिंग करने के लिए ही किया है। इसकी लंबाई हमने एक्स्ट्रा आड़ पट्टी कट करने के लिए रखी थी कि साथ ही इसकी आड़ पट्टी की भी कटिंग हो जाए। हमारी जो आड़ पट्टी है इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसमें हम 10 इंच पर निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे। ये हमारे आगे और पीछे के पार्ट कट हो गए हैं। अब हम बाजू कट करेंगे। बाजू कट करने के लिए हमने इसे फोल्ड किया है। इसकी जो चौड़ाई है 18 इंच है, इसे हम फिर से फोल्ड करेंगे। यानी ये 4 बार फोल्ड हो गया, 4 पार्ट हो गए इसके। हमारी जो बाजू की लंबाई है 4 इंच, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे यानी 6 इंच आगे की मुड़ाई के लिए और सिलाई के लिए। ये जो 6 इंच पर निशान लगाए इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो खुली साइड है वहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और जो हमारी गोलाई है वो है 14 इंच, तो 14 का हाफ होता 7 इंच, और 7 इंच में एक ऐड करके यानी 8 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम तिरछा मिलाएंगे। ये जो बंद साइड है यहाँ से हम गोलाई देते हुए जो 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे मिलाएंगे। ये हमारी बाजू का निशान लग गया है, इसे अब हम कट करेंगे। ये हमारे पीछे का पार्ट है, ये बाजू है। ये हमारी
आगे का पार्ट।